हेलो फ्रेंड्स, महिलाएं गर्भधारण के बाद जो सबसे ज्यादा किसी चीज का इंतजार करती हैं, वो है बेबी का किक करना, बेबी का पेट में घूमना। आपको पता होगा, पांचवें महीने के बाद से बेबी पेट में हलचल करने लगता है। जैसे जैसे शिशु हाथ पैर हिलाता है, माँ को ये फीलिंग ज्यादा होने लगती है। आपको ये पता होगा, बेबी का मूवमेंट दिन में कम और रात में ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि रात में जब माँ का शरीर शिथिल पड़ता है, शांत होती है, तो बेबी का हलचल ज्यादा पता चलता है, क्योंकि उस समय सब कुछ शांत होता है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स करती है, इसलिए शिशु की हलचल रात में बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि बेबी की हलचल कभी कभी कम क्यों हो जाती है और बेबी अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसका क्या कारण है। बेबी की हलचल कम होने के कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं। अगर आपके बेबी का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ तो बेबी कम मूव करेगा। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि बेबी का मूवमेंट समय से पहले हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कई बार आपकी डिलीवरी डेट भी बढ़ जाती, वैसे ही शिशु के मूवमेंट भी देर से शुरू होती है। कई महिलाओं को बेबी की मूवमेंट इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि गर्भ में बेबी को स्पेस नहीं मिलता। आप खुद समझिए, पेट में स्पेस कम रहेगा तो बेबी कैसे मूव करेगा। तो कम स्पेस होने के क्या कारण होते हैं, अब हम वो भी जान लेते हैं। पहला कारण तो होता है डिलीवरी का समय आ जाना। कई महिलाओं को आठवें महीने के बाद बेबी के मूवमेंट का पता कम चलने लगता है। उनको लगता है बेबी मूव करना बंद कर दिया है। इसका कारण यही होता है, बेबी का शारीरिक विकास हो जाता है और वजन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भ में स्पेस कम मिलता है और शिशु के मूवमेंट कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है खाना अधिक खाना, पानी अधिक पीना। आप खुद सोचिए, नॉर्मल इंसान भी जब खूब खाना खा ले और खूब सारा पानी पी ले, उसके पेट की क्या हालात होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ज्यादा खाना खा लेती हैं, खूब ढेर सारा पानी पी लेती हैं, तो पेट पे दबाव ज्यादा पड़ने लगता है, जिससे शिशु के मूवमेंट कम हो जाती है। अगर रात को सोते वक्त शिशु के मूवमेंट कम महसूस हो तो ध्यान रखिए, तुरंत खाना खाकर सोने नहीं जाना। एक बार में ज्यादा खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भूखी रहें, बस जो भी खाएं लिमिट में खाएं। तीसरा कारण यह होता है कि जब आप समय पर बाथरूम नहीं जाती हैं, रोक कर रखती हैं, यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है तो तुरंत पास करें, ताकि पेट पर दबाव नहीं पड़े और सुबह शाम दो बार फ्रेश हुए। अगर अपना ख्याल आप रखेंगी तो शिशु के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको अपने खान पान, अपने रूटीन का भी ध्यान रखना है। शिशु स्ट्रांग रहेगा तभी मूव करेगा, इसलिए खाना अवॉइड नहीं करें, मेडिसिन अवॉइड नहीं करें, डॉक्टर से मिलना, हर एक कुछ का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज से नहीं होगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, अपने शिशु का ख्याल रखना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।